गाइस आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कैसे आप पिक्सआर्ट ऐप से कुछ इस तरीके की फोटो एडिट कर सकते हो। देख पा रहे हो कि इस फोटो में कितना मस्त डार्क टोन है, एंड इस तरह की वीडियो भी आजकल काफ़ी वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से सिखा ही दे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं, एंड गैलरी से हमने इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। देख पा रहे हो कि बिल्कुल ही नॉर्मल फोटो है। इस फोटो के अंदर अभी हम डार्क सा कलर टोन ऐड करने वाले हैं, यानी कि डार्क ब्लैक सा टोन ऐड करने वाले हैं, वो भी पिक्सआर्ट ऐप का यूज करके। तो गाइस इस फोटो को जस्ट आपको यहां शेयर पे क्लिक करना है, एंड इसको आपको ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। तो गाइस मेरे फोन में पिक्सआर्ट ऐप ये रहा ऑलरेडी इंस्टॉल है, अगर आपके फोन में नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। गाइज मैंने फोटो को पिक्सआर्ट ऐप के अंदर ओपन कर लिया, एंड कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको अपनी फोटो को रिसाइज कर लेना है ताकि आपकी फोटो की क्वालिटी कम ना हो, ठीक है। इसके लिए टूल्स पे जाएंगे, रिसाइज पे जाएंगे, देन यहाँ से इसकी विड्थ में आपको 6000 डाल देना है, ठीक है। 6000 जैसे डालोगे, यहाँ रिसाइज पे क्लिक करोगे, इसकी एक्चुअल विड्थ है 2590, तो ये आपको रिकमेंड हो जाएगा, वो आपको डाल देना है। जो भी आपकी विड्थ रिकमेंड होगी वो आपको सिंपल से डाल देना है, ठीक है। अब गाइज आपको यहाँ से टूल्स पे दोबारा क्लिक करना है, एडजस्ट पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से गाइस कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, एंड यहाँ मिलेगी आपको हाइलाइट्स, तो हाइलाइट्स को बिल्कुल हल्का सा कम करना है, लगभग यहाँ पे इतना, एंड आपको सिंपल से डन पे क्लिक कर लेना है, ओके। देन देख पा रहे हो गाइस कि हमारी फोटो के अंदर हमारा इतना काम खत्म हो गया। अब आपको दोबारा से चलना है इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के अंदर, ठीक है। इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के अंदर आ जाने के बाद यहाँ से आपको बहुत सारा इफेक्ट्स मिल जाएगा। आपको यहाँ सिंपल से कलर्स वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, कलर स्प्लैश को सिलेक्ट करना है, देन ये जो प्लस का आइकॉन है इसे आपको अपने नेक के पास लाकर कुछ इस तरीके से रख देना है, ठीक है। एंड जैसे आप मीन ह्यू को पूरा आगे की तरफ बढ़ाओगे, अब देख पाओगे कि आपका पूरा बैकग्राउंड जो है डार्क ब्लैक हो गया, ठीक है। एंड यहाँ से आपको मिलेगी मैक्स ह्यू, जिसे आपको मतलब हल्का सा लेफ्ट साइड की तरफ करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप देख पा रहे हो मैंने कर दिया, एंड अभी फोटो देखो, ये देखो बिफोर एंड आफ्टर, कुछ इस तरीके की अभी फोटो दिख रही है। आपको सिंपल से यहाँ डन पे क्लिक कर लेना है, ओके। एंड अब आपको आना है यहाँ से टूल्स वाले आइकॉन पे, एडजस्ट पे आपको आना है, देन यहाँ से आपको सेचुरेशन को कुछ इस तरीके से कम कर लेना है, ठीक है। अब आपको इरेजर वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, इन्वर्ट कर लेना है। अब आपको अपनी फोटो को जूम करना है, एंड कुछ इस तरीके से जहाँ जहाँ भी इफेक्ट को मतलब इफेक्ट जहाँ जहाँ भी नहीं चला है वहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको चला देना है, ठीक है। मतलब वो तो आपको ऑटोमेटिक से ही देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड कितना ज़्यादा डार्क ब्लैक हो गया, एंड जहाँ जहाँ पे नहीं हुआ है उसको कुछ इस तरीके से मैनुअली कर लेना है आपको, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि हमने पूरा यहाँ से डार्क ब्लैक कर दिया, एंड यहाँ थोड़ा सा बाकी रह गया है, तो इसको भी हम कुछ इस तरीके से ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान था, आई होप आप इतना तो समझ ही गए होंगे। एंड डार्क ब्लैक कर लेने के बाद गाइज अभी हम आपको मतलब इसके आगे वाले स्टेप्स में ये सिखाएंगे कि आप फेस को स्मूथ कैसे कर सकते हो एंड फेस को वाइट कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है बहुत लोगों को ये चीज़ समझ ही नहीं आता कि फेस स्मूथ कैसे करना है। आप देख पा रहे हो गाइज कि हमारा इतना काम ख़त्म होता है, एंड अभी जो है हमारी फ़ोटो कुछ इस तरीके की दिख रही है। ये देखो आपको सिंपल से यहाँ देखो थोड़ा सा ऊपर रह गया है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से फिल कर लूँगा। फ़ोटो को कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है, एंड ऐसे गाइज आपको फिल कर लेना है, ओके। आप देख पा रहे हो कि हमने कर लिया, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पूरा बैकग्राउंड जो है डार्क ब्लैक हो चुका है, एंड फ़ोटो देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। अब गाइज आपको सिंपल से यहाँ डन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से इसको डन कर लेना है। अब आपको दोबारा से टूल्स वाले आइकॉन पर चलना है, एडजस्ट में चलना है, एंड कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देनी है आपको, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू बढ़ा देने के बाद यहाँ पर मिलेगी आपको क्लैरिटी, तो क्लियरिटी को भी बिल्कुल हल्का सा बढ़ा देना है, लगभग 4 के आसपास, एंड यहाँ से इसको डन कर लेना है, ओके। एंड देख पा रहे हो गाइस कि हमारी फ़ोटो के अंदर इतना काम हो गया, एंड अभी फ़ोटो बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है। अभी हम फोटो में फेस को स्मूथ करने वाले हैं एंड फेस को वाइट करने वाले हैं। इसके लिए गाइस हम जाएंगे ब्यूटी वाले ऑप्शन में, यहाँ से सबसे पहले स्मूथ पर क्लिक करना है। स्मूथ पर जैसे आप क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक आपके फेस को स्मूथ कर देगा, बट हमें इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं चाहिए, सिंपल से यहाँ से इसको कम कर लेना है, एंड इसको 24 के आसपास रख के सिंपल से डन कर लेना है, ओके। एंड यहाँ से आपको स्किन टोन पे क्लिक करना है, जो भी आपको स्किन टोन रखना हो, लाइक देखो अगर आपका स्किन कुछ इस तरीके से डार्क है, अगर आपको इसको फेयर करना है तो आप सिंपल से यहाँ जो भी स्किन टोन आपको चाहिए वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, एंड इसके ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर लेंगे, एंड अभी देखोगे ये देखो बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर आप देख पा रहे हो कि फेस यहाँ पे वाइट हो गया, गोरा हो गया। एंड गाइज इतना हो जाने के बाद आपको सिंपल से यहाँ डन पे क्लिक कर लेना है। अब हमारी फोटो के अंदर देख पा रहे हो कि ओवरऑल इतना काम हो गया, एंड फोटो भी देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है। तो इतना काम हो जाने के बाद गाइज इस फोटो को सिंपल से यहाँ से टूल्स वाले आइकॉन में जाएंगे, एडजस्ट में जाएंगे, एंड यहाँ से ह्यू में जाना है आपको, ठीक है। ह्यू में जाने के बाद कुछ इस तरीके से लाना है, एंड ऐसे आपको बिल्कुल हल्का सा रेडिश टोन थोड़ा सा रखना है, एंड यहाँ से आपको इरेजर लेना है,
इन्वर्ट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है, इन्वर्ट पर क्लिक कर लेना है ऐसे। एंड इन्वर्ट पर क्लिक कर लेने के बाद फोटो को जूम करना है कुछ इस तरीके से। एंड ये काम आपको सिर्फ अपने लिप्स पे करना है। आप देख पा रहे हो कि लिप्स पे मतलब चलाने के बाद लिप्स पे जो है कलर आ चुका है। एंड सिंपल से डन पे क्लिक करना है। यहाँ से हम सेचुरेशन को थोड़ा सा हल्का सा कम कर लेंगे, लगभग यहाँ पे हम रखेंगे -3। एंड आपको सिंपल से डन पे क्लिक कर लेना है। एंड जितना काम हो जाने के बाद हमारी फोटो ओवरऑल कुछ इस तरीके की दिख रही है। इस फोटो के अंदर आप चाहो तो बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो, इससे आपकी फोटो और भी ज़्यादा मस्त लगेगी। तो बैकग्राउंड ब्लर करना काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो देख के अच्छे से सीख लीजिए। अब गई आपको यहाँ से ड्रॉ टूल के अंदर चलना है। एंड फोटो को सेव फुल एचडी में करने के लिए सिंपल से ड्रॉ टूल में आने के बाद इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डॉट के आइकॉन पर क्लिक करके मर्ज कर लेना है, ठीक है। एंड अब आपको ये इरेजर लेना है। एंड इसके साइज एंड ओपेसिटी आपको 1-1% रख लेना है। एंड 1-1% रख लेने के बाद कहीं भी ऐसे बैकग्राउंड में ड्रॉ करना है। देन आपको थ्री डॉट के आइकॉन पे क्लिक करना है। एंड यहां से आपको सेव इमेज पे क्लिक कर देना है। अब ये फोटो इजीली आपकी गैलरी में सेव हो गई। सो आई होप गाइस आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो गाइस। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।